सबसे पहले तो मैं तरुण सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सर ने दिन रात एक करके इतना अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाया सिर्फ आप लोगों के लिए, टू ब्रश अप योर फ्यूचर, दैट्स अ सेंक्टम ऑफ सक्सेस। और लगभग मैं हर क्लास में, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन क्लास, जब मैं लेता हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ को हाईलाइट करता हूँ कि इन स्टडी वी सी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, कि पढ़ाई में हमें क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं। हम कितना पढ़ते हैं डजेंट मैटर, हम क्या पढ़ते हैं वो मायने रखता है। क्योंकि मेरा मानना है कि क्वालिटी बेस्ड स्टडी हमें रिजल्ट देगा और क्वांटिटी बेस्ड स्टडी हमें रिजल्ट नहीं देगा, जहाँ तक मुझे मेरा मानना है। अब बात करते हैं, आज हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, ब्लड, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग एक छोटे से बड़े लेवल के एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और आज हम ब्लड को एक बहुत ही बेहतर तरीके से कवर करेंगे। और मैं ये 100% भी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि टॉपिक पढ़ने के बाद आप कहीं के भी प्रैक्टिस सेट लगाना, किसी भी बुक्स के कहीं का भी प्रैक्टिस सेट लगाना, आई होप ब्लड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपसे होके जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, और मुकेश दलाल, ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, इंडियन ब्लॉगर गौरी, ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, और हम बात करते हैं ब्लड। ध्यान देना, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, बचपन से ही पढ़ते आए हो कि ब्लड जो है हमारे बॉडी में एक अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। नॉर्मली वी से अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक तरल संयोजी ऊतक। नॉर्मली हम ब्लड को बोलते हैं अ तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बहुत सारा बच्चा बोलता है कि सर हम ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है कि हम ब्लड को संयोजी ऊतक बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो मेरा मानना है तो ये फ्लूइड, इट कीप्स ऑन फ्लोइंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट में फ्लो करता रहता है। लेकिन काम करता है ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनको क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है, सब्सटेंस को एक्सचेंज करने का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है। दैट्स वाई हमने बोला अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। नॉर्मली नेक्स्ट पॉइंट, आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि एक स्वस्थ व्यक्ति में, एक नॉर्मल पर्सन में ब्लड कितना लीटर होना चाहिए। तो यदि मैं बात करूं एक हेल्दी पर्सन में, यानी इन मेल साइड, तो ब्लड का जो अमाउंट होना चाहिए वो 5 to 6 liters जो है होना चाहिए, 5 to 6 liters, एक मेल के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं, बट दैट इज अ वेरिएशन इन फीमेल, क्योंकि मेल के अकॉर्डिंग फीमेल में जो है 1/2 liter जो ब्लड होता है वो कम होता है। ध्यान देना, अ मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हियर। नाउ मैंने क्या कहा भाई कि मेल में 5 to 6 liters ब्लड होते हैं, बट यदि मैं फीमेल से कंपैरिजन करता हूँ, तुलना करूंगा, तो हमेशा मेल के अकॉर्डिंग फीमेल में 1/2 liter ब्लड कम होता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर क्या रीजन है, व्हाई वी से दैट अ फीमेल कंटेन 1/2 liter लेस ब्लड इन कंपैरिजन टू मेल, क्या रीजन है सर? तो देखो कई सारे रीजन है, बिकॉज ऑफ हैवियर वेट ऑफ मेल, मेल के वेट हैवियर होते हैं, इनके बोन्स वगैरह मसल्स वो हैवी वेट के होते हैं। और मैं दूसरी बात कहना चाहूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, कि जो फीमेल का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो मेल के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। दैट्स वाई वी से द फीमेल कंटेन 1/2 liter लेस ब्लड इन कंपेरिजन टू मेल। अब देखो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ दे आपके पेपर में कि यदि एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 liters ब्लड है, तो एक स्वस्थ महिला में, एक फीमेल में कितना होना चाहिए? तो हमारा बेटर ऑप्शन क्या होगा भाई, 4.5। यदि 6 दे रखा है तो हम किस पे जाएंगे भाई, फीमेल के अकॉर्डिंग 5.5। यानी इतना हमारा क्लियर हो गया कि मेल के अकॉर्डिंग फीमेल में 1/2 liter ब्लड कम होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि हमारे ब्लड का नेचर कैसा होता है, हमारा जो ब्लड है वो किस प्रकृति का होता है, इसका नेचर कैसा होता है, तो सबको पता है कि जो ब्लड का पीएच मान होता है, जो ब्लड का पीएच मान होता है, वी नो दैट द पीएच रेंज ऑफ ब्लड इज अ 7.4। ध्यान देना,
जो ब्लड का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है ये। और हम बात करते हैं 7.4, 7 है तो न्यूट्रल, सबको पता है पीएच स्केल पे 7 बिलो है देन हम बताएंगे एसिडिक, 7 प्लस है देन हम बताते हैं बेसिक, क्षारीय मीडियम का है। बट यहां पर यदि मैं बात करना चाहूं 7.4 ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, दैट्स वाई हम बताएंगे कि जो हमारा ब्लड का नेचर होता है वो स्लाइटली अल्कली नेचर का होता है, ध्यान देना, स्लाइटली अल्कलाइन, हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है भाई? हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कली नेचर का होता है जो हमारा ब्लड का पीएच मान होता है। अब ध्यान देना, कई बार एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन जनरेट हुआ है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि व्हाट्स हैपेंड व्हेन द नेचर ऑफ ब्लड चेंज, क्या होगा जब मान लो ब्लड का पीएच मान 7 बिलो हो जाए, 7 प्लस हो जाए, तो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान देना। हालांकि हमारे जो ब्लड के पीएच है ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बट कई ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड के पीएच रेंज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लो हम बात करते हैं O2 है, CO2 है, वो भी हमारे ब्लड के थ्रू फ्लो हो रहा है, और तमाम तरह के जो हम फूड लेते हैं वो फूड एब्जॉर्ब होता है, सारे केमिकल सब्सटेंस फूड के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू क्या होता है भाई, फ्लो होता है, तो उसके जो केमिकल्स हैं वो भी ब्लड के पीएच रेंज पे क्या करते हैं भाई, इफेक्ट डालते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि मान लो यदि आपके ब्लड का पीएच मान 7 से कम हो गया, मतलब योर ब्लड बिकम एसिडिक इन नेचर, आपका रुधिर का जो माध्यम है वो अम्ली हो गया, तो इससे क्या होगा, और ब्लड का नेचर एसिडिक तभी होगा जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान देना भाई, ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, ये एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है, यदि इसका कंसंट्रेशन कंटेंट हमारे ब्लड में ज्यादा होता है तो कंफर्म है कि O2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और सीधा हमारे हार्ट पे इफेक्ट जाएगा, और जो हमारा हार्ट है वो क्या होने लगेगा भाई, हार्ट बीट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि O2 का कंसंट्रेशन वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इतना क्लियर है कि यदि हमारा ब्लड का मीडियम एसिडिक नेचर का होता है तो हमारा ब्लड जो है, हमारा हार्ट जो है सीधे क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा CO2 के बढ़ने की वजह से। हालांकि ये मेन फंडा है जो हमारे ब्लड के पीएच मान को इन्फ्लुएंस करता है, और तो बाकी कई सारे हैं फैक्टर्स जो ब्लड के पीएच रेंज को इफेक्ट करते हैं। और यदि हमारा ब्लड का पीएच मान, यदि हमारे ब्लड का पीएच मान 7 प्लस होता है, इट मींस आवर ब्लड बिकम बेसिक इन नेचर, और उस समय में क्या होगा कि हमारा हार्ट बीट डिक्रीज हो सकता है। तो हार्ट को बैलेंस रखने के लिए ध्यान देना, ब्लड का पीएच मान 7.4 होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कई बार एग्जाम में आया भी है कि हमारा ब्लड की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, ओवरऑल हम बताएंगे स्लाइटली अल्कली नेचर का होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि बॉडी वेट का, ध्यान देना भाई, शरीर के भार का, बॉडी वेट का ब्लड कितना परसेंट होता है, यदि परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन आया हुआ था DSSB के एग्जाम में कि शरीर के भार का कितना परसेंट ब्लड होता है, यदि मैं बॉडी वेट की बात करूं तो हमारा ओवरऑल एकदम ऑथेंटिक परसेंटेज हमारा होना चाहिए, ध्यान देना भाई, 7%, यानी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग शरीर के भार के अनुसार जो है हमारा जो ब्लड का परसेंटेज होता है वो कितना होता है भाई, 7%, ध्यान देना। मैं बार बार एक चीज को हाईलाइट करता हूं क्योंकि हमें अपने आप को इवेल्युएट करना है और हमें एग्जामिनर के माइंड को भी इवेल्युएट करते हुए चलना है कि पेपर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे बना देते हैं क्वेश्चन वगैरह। यहां से यदि क्वेश्चन बनाना होगा तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मान लो कोई एक 70 kg का पर्सन है, एक 60 kg का पर्सन है, उसमें औसत कितना लीटर ब्लड होना चाहिए। जब आपको इतना पता है कि हमारे शरीर के भार का, हमारे बॉडी वेट का ब्लड जो है 7% होता है, तुरंत हम क्या करेंगे भाई, 60 का 70 का हम 7% निकालेंगे और जो आएगा वही हमारा क्या होगा भाई, ऑप्शन होगा। आई होप क्लियर हो चुका है सबको कि ब्लड का जो वेट होता है बॉडी के अकॉर्डिंग वो हमारा 7% होता है, ध्यान देना। ओके नीतू एंजल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल। आरती पुनिया, गुड मॉर्निंग। चलो बहुत ही तरीके से इस बार सिलेक्शन लेना है आप लोगों को,
बेनिका जोशी, प्रियंका, रुचिका, ओके, कनिका, आरती, ओके ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. राइट नाउ डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई नो अबाउट यू हैव पावर, बट डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सेगमेंट. राइट नाउ इट्स अ बेटर फॉर यू. ओके नाउ बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई. हम सारे एंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे आज ब्लड के बारे में, और आई होप आप नेक्स्ट डे ब्लड के प्रैक्टिस सेट लगाना. हालांकि मैं भी आपको क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे हम इस चैनल के माध्यम से, तो और भी आपको क्लैरिटी आएगी. बट मेरा मानना है कि आप सारा क्वेश्चंस करोगे, ब्लड के जितने पार्ट है मैं स्टेप स्टेप वाइज जो है आपको पढ़ाने वाला हूँ. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. ये सारे पॉइंट आई होप हमने मिल करके जो है क्लियर कर लिया है. बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमने बताया, हम ब्लड के नेचर के बारे में जाने, हम ये भी जाने कि यदि पीएच के रेंज में चेंजेज आएगा तो क्या हो सकता है, और वो कौन ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड के पीएच मान को इंक्रीज कर सकता है. तो ओवरऑल हम जाएंगे किस पे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड. ध्यान देना, कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु है, और अधातुओं का जो ऑक्साइड होता है वो हमेशा एसिडिक नेचर का होता है. अब देखते हैं कि हमें ब्लड में क्या क्या पढ़ना है और किस एंगल के अकॉर्डिंग हम ब्लड को पढ़ें, ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहां से जनरेट कर पाए और सारे क्वेश्चन जो है ना किल कर पाए. क्योंकि मैं बार बार यही बोलता हूं कि इन स्टडी वी सी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी. पढ़ाई में आपको जो है क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं. और लगभग सारे आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं, सबको स्मार्ट है. प्रवीण मिश्रा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आरोही शर्मा, ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सभी स्मार्ट बच्चे हैं, आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा. आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. अब हमने क्या किया भाई, हमने ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हमारा है प्लाज्मा. ध्यान देना फर्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा. एक तो है हमारा प्लाज्मा, और यदि मैं सेकेंड बात करना चाहूंगा ध्यान देना, तो वो है हमारा ब्लड कॉर्पसल्स. ब्लड कॉर्पसल्स यानी हम इसको बोलेंगे हिंदी में रुधिर कणिका. ध्यान देना, रुधिर कणिका, ब्लड कॉर्पसल्स. यानी ये हमारा प्लाज्मा हो गया और ये हमारा ब्लड कॉर्पसल्स हो गया. और हम जो है ब्लड कॉर्पसल्स को तीन पार्ट में डिवाइड किए हमारा नॉर्मली. एक तो हमारा आरबीसीज, सेकेंड जो है हमारा वो है डब्ल्यूबीसीज, और नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्लेटलेट्स. अब ध्यान देना, कई जगह बुक्स में ब्लड सेल्स भी लिखा रहता है, बच्चा कंफ्यूज रहता है, लेकिन ध्यान देना कॉर्पसल्स दैट इज द नेम ऑफ सेल. ये ब्लड का सेल का नाम है, बात एक ही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्लड कॉर्पसल्स. जैसे हम लोग आरबीसी को कई जगह पेपरों में एरिथ्रोसाइट के नाम से भी दिया गया है. एरिथ्रोसाइट इज द टेक्निकल नेम ऑफ आरबीसी. अब बात है कि भाई ये एरिथ्रोसाइट है क्या? सो एरिथ्रोसाइट इज द नेम ऑफ सेल ऑफ आरबीसी. ये आरबीसी के सेल का नाम है, दैट्स वाई आरबीसी का टेक्निकल नाम पड़ गया एरिथ्रोसाइट. हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज. डब्ल्यूबीसी को जनरली हम क्या बोलते हैं भाई, ल्यूकोसाइट. ल्यूकोसाइट दैट इज द नेम ऑफ सेल ऑफ डब्ल्यूबीसी. और ये हमारा प्लेटलेट्स है, इसको भी हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं. ध्यान देना, इसको हिंदी इंग्लिश में हम सेम यूज करते हैं, थ्रोम्बोसाइट. यानी हमारा आरबीसी एरिथ्रोसाइट दैट इज द टेक्निकल नेम. डब्ल्यूबीसी को हमने ल्यूकोसाइट बोला और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोला. हिंदी इंग्लिश में इसको सेम वर्जन हम लिखते हैं, इसलिए जो हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनको कंफ्यूज नहीं होना है. हम बात करते हैं यहां से कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं हमारे पेपर में, तो वो क्वेश्चन आता है परसेंटेज से. ध्यान देना, क्योंकि ब्लड एक ऐसा टॉपिक है जहां से परसेंटेज से भी क्वेश्चन जो है ना जनरेट होते हैं. और मैं बार बार बोलूंगा जो वॉच कर रहे हैं, ऑलरेडी अपने पास नोटबुक और पेंसिल भी साथ में रखेंगे. जो जो मैं चीज को हाईलाइट करते हुए चलूंगा कि हाँ भाई ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको नोट करते हुए चलना है. ठीक है मीनू का ध्यान, ओके, बिल्कुल बिल्कुल. सबको अपने पास जो है ना नोटबुक साथ में रखना है, पेपर के समय जो है वो आपको सहयोग मिलेगा. एग्जाम के समय थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू, बर्ड्स आई व्यू कर लेंगे तो
हेल्प मिलेगा। ओके अब बात करते हैं प्लाज्मा, ध्यान देना, हमारा ब्लड में जो प्लाज्मा है वो होता है 55%। कितना भाई? 55%। ध्यान देना, कई बुक्स में 65 भी दे रखे हैं, कई बुक्स में 60 भी दे रखे हैं, बट मैं ऑथेंटिक परसेंटेज बात कर रहा हूं कि हमें पेपर में ऑथेंटिक फैक्ट ही आने हैं। हाँ, यदि आपके पेपर में 55-60 आ रहा है वो बेटर है, बट हम बताएंगे 55% बचा हमारा कितना भाई, 45%। तो 45% हमारा जो है वो है ब्लड कॉर्पसल्स। अब इस 45% के अंदर ध्यान देना, इस 45% में हमारा सबसे ज्यादा एबंडेंट अमाउंट में जो सेल है वो हमारा है आरबीसी। 99% हमारा आरबीसीज होता है और 0.2% जो है हमारा डब्ल्यूबीसीज होता है और 0.8% जो है हमारा वो क्या होता है भाई, प्लेटलेट्स होता है। तो ये रहा परसेंटेज। लेकिन यदि मैं बात करना चाहूं कि इनमें से ऐसा कौन सा परसेंटेज है जो हमारे पेपर में पूछ देता है, तो नॉर्मली मैंने कई बार क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखा है प्लाज्मा बेस्ड परसेंटेज पेपरों में पूछा गया है कि ब्लड में प्लाज्मा का अमाउंट कितना होता है, तो नॉर्मली हम बताएंगे 55%। अब हम इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे साइकिल को स्टेप वाइज हम समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान देना। इसके बाद हम लोग सारे ब्लड ग्रुप्स जो एग्जाम में बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, आरएच फैक्टर का क्या रोल है, आजकल क्यों आरएच का एंटीडोट दिया जाता है, क्या रीजन है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे डीपली। और बड़े ही ट्रिकी मेथड से मैं कई सारे ब्लड ग्रुप्स आपको बताऊंगा कि एक बार पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा। अब हम लोग सिंपल सा हेडिंग देंगे प्लाज्मा, और हम लोग प्लाज्मा के बारे में डीप पढ़ेंगे कि प्लाज्मा बेस्ड स्टडी जो है ना हम कैसे करें ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन यदि प्लाज्मा से आता है वी आर एबल टू किल, वो क्वेश्चन हमसे होके जाए। नाउ हम हेडिंग देते हैं प्लाज्मा। अब बच्चों आप देखे होंगे अक्सर जो प्लाज्मा का परसेंटेज तो हमारा क्लियर हो चुका है कि जो प्लाज्मा होता है ये नियर अबाउट जो है 55%, ये तो आई होप सबको याद हो चुका है। बट आप अक्सर देखे होंगे जब किसी को डेंगू होता है और नॉर्मली यदि वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो डॉक्टर क्या करता है, प्लेटलेट्स चढ़ाने से पहले एक पीली कलर की थैली चढ़ाता है, और वो जो पीली कलर की थैली होती है वो ध्यान देना हमारा प्लाज्मा ही होता है। और इस तरीके से यदि मान लो पेपर में ये पूछ दिया कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तो नियर अबाउट हम क्या बताएंगे भाई, प्लाज्मा का जो कलर होता है वो पीले रंग का होता है। इट मींस वी से दैट द कलर ऑफ प्लाज्मा इज पेल येलो या स्ट्रॉ इन कलर, यानी कलर में ये कैसे होता है भाई, हल्के पीले रंग का ये द्रव है, स्ट्रॉ कलर का या पेल येलो कलर का जो हमारा प्लाज्मा है ये नॉर्मली कलर में होता है। चलो इतना तो पॉइंट क्लियर है, बट देखते हैं वो क्वेश्चंस जो प्लाज्मा में बड़ा ही मेन रोल प्ले करता है। और हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का संघटन। हेडिंग देते हैं नॉर्मली नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा राइट नाउ। और इस चीज को आपको हाईलाइट करना है, ध्यान देना भाई, 90% ये कंपोजिशन रोल प्ले करता है एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने का, मैं 100% कर रहा हूं, ध्यान देना। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का संघटन, मतलब कि प्लाज्मा के अंदर जो है क्या क्या चीजें मौजूद होती है, मैं बात उसकी कर रहा हूं, प्लाज्मा के कंपोजिशन का बात कर रहा हूं। और यहां पे मैं फर्स्ट पॉइंट बात करूंगा, ध्यान देना, मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट वी से फर्स्ट नाउ राइट नाउ, प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बार नहीं कई बार यहां से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कितना परसेंट होता है। और कई बुक्स में आप देखोगे वेरिएशन, में बार बार बोलता हूं कि आपको एनसीईआरटी का ही फैक्ट लेना है और सारे ऑथेंटिक फैक्ट लेना है कि आप एग्जाम्स में कंफ्यूज ना हो, आपको अदर बुक्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और यदि मैं प्रोटीन की बात करता हूं तो हमारे प्लाज्मा के अंदर ध्यान देना जो प्रोटीन होता है वो 6 to 6 to 8% जो है ना प्रोटीन होता है।
कितना भाई 6 to 8%। और ध्यान देना, अब बात करते हैं कि प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो नॉर्मली ध्यान देना, और तीन तरह के प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, थ्री टाइप्स के प्रोटीन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। फर्स्ट में बात करता हूं अब फिब्रिनोजेन, ध्यान देना फिब्रिनोजेन, इसको हिंदी में भी हम फिब्रिनोजेन ही बोलते हैं, बेटर है इंग्लिश में ही लिख लेना। सेकंड जो है हमारा वो है एल्बुमिन, और थर्ड जो है हमारा वो है ग्लोबुलिन। तो ये तीन तरह के प्रोटीन देख लो, फर्स्ट हमारा फिब्रिनोजेन, सेकंड क्या है हमारा एल्बुमिन, और थर्ड क्या है हमारा भाई ग्लोबुलिन। यहां पे हम तीन तरह के प्रोटीन की बात करते हैं और इस प्रोटीन के बारे में हम थोड़ा सा डीपली चर्चा करते हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। मैंने देखा है लगभग ऑल एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहां से भी पूछा गया है, मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड प्रोटीन है फिब्रिनोजेन। कहीं कहीं फिब्रिनोजेन को ध्यान देना एक और नाम से हाईलाइट किया गया है, फिब्रिन है तो बात एक ही है, फिब्रिनोजेन बोलो या फिब्रिन बोलो, ये इनएक्टिव फेज है जबकि ये क्या है भाई एक्टिव फेज है, जब ये वर्क करेगा तब वो स्टेज है, एक्टिवेट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं फिब्रिन। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यदि पेपर में फिब्रिन दे या फिब्रिनोजेन दे बोथ आर सेम, ओके। अंतर सिर्फ इतना है कि ये इनएक्टिव फेज में है और ये एक्टिव फेज में है जब ये अपना वर्क करता है। अब आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, ध्यान देना, जैसे आपको पता है कि वो कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त के थक्का बनने में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे हमारी बॉडी कहीं से इंजरी होती है और धीरे से कुछ समय बाद हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, मान लो कई बार, सीधा सा ऑप्शन आप किस पे जाते हो भाई, विटामिन के पे। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जिसको हम एंटी हीमोरेजिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अच्छा मान लो आपके पेपर में विटामिन का जिक्र नहीं किया और आपसे पूछ दिया कि इनमें से वो कौन ऐसा प्रोटीन है जो रुधिर के थक्का जमने में हेल्प करते हैं, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। क्योंकि ध्यान देना हमारे ब्लड के अंदर 13 फैक्टर्स हैं और वो 13 फैक्टर्स हेल्प करते हैं किसमें भाई, ब्लड क्लॉटिंग में, किसमें ब्लड क्लॉटिंग में, ध्यान देना इस चीज को। कितने मैंने बताया भाई, 13 फैक्टर्स हैं। हालांकि मैं सारे फैक्टर्स के नाम बताऊंगा बड़े ही ट्रिकी मेथड से, कभी कभी पेपर में आ भी जाता है। जैसे आप जानते हो एक बीमारी है हीमोफीलिया, अक्सर आप लोग देखे होंगे, बॉडी इंजरी होती है, सारा ब्लड खाली हो जाता है, आधे घंटे बाद ब्लड का थक्का बनना शुरू होता है और पता चला सारा बॉडी का ब्लड जो है ना बाहर निकल गया, एक जेनेटिक्स बीमारी है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में जो फैक्टर है ब्लड का, एक 8th और 9th, ये दो फैक्टर जो है ना एब्सेंट होते हैं, दैट्स वाई उनका ब्लड जो है क्या होता है भाई, क्लॉट नहीं हो पाता और बॉडी इंजरी होती है तो सारा ब्लड खत्म हो जाता है और व्यक्ति की क्या होती है भाई, डेथ हो जाती है। आते हैं पॉइंट पे, क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हम बिना सोचे समझे किस पे जाएंगे भाई, फिब्रिनोजेन, फिब्रिन ये एक ऐसा प्रोटीन है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग राइट नाउ, रुधिर के थक्का बनने में सहायक होता है, किसमें भाई, तो हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन या वी से ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर के थक्का बनने में ये प्रोटीन बहुत ही रोल प्ले करता है। इट मींस क्लियर हो चुका है हमारा कि व्हाट इज द रोल ऑफ फिब्रिनोजेन इन आवर ब्लड, वी से हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। अब हम बात करते हैं किसको लेकर के, एल्बुमिन को लेकर के, और एल्बुमिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक मैं आपको और चीज बताना चाहूं, यदि एल्बुमिन के बारे में मैं चर्चा करूं तो ये जो प्रोटीन है, एक तो ये वाटर सोल्युबल प्रोटीन है, ध्यान देना भाई वाटर सोल्युबल प्रोटीन है, कौन भाई, एल्बुमिन। अब देखो यदि ये प्रोटीन जल में घुलेगा तो सीधी सी बात है कि यदि ये प्रोटीन वाटर इनसाइड डिजॉल्व होता है तो हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, और यदि हमारे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो सीधी सी बात है हमारा जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है। और आप लोग अक्सर देखे होंगे, मैंने देखा है कई बार, जो किडनी के पेशेंट होते हैं खास करके उनके लेग एरियाज, हाथ पैर वगैरह, फेस एरियाज में स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग होने का भी रीजन कौन है भाई, एल्बुमिन है, क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है। अब बात करते हैं यहां पे
सपोज करो कि मान लो ये आपकी ब्लड की वेसल्स हैं, रुधिर वाहिनिका है, ब्लड वेसल्स है, और इसमें ब्लड क्या हो रहा है भाई, फ्लो हो रहा है, और ये हमारा प्रोटीन है मान लो एल्बुमिन। अब यदि एल्बुमिन का अमाउंट इसमें बढ़ेगा, इट मींस कंफर्म है कि जितना अमाउंट बढ़ेगा एल्बुमिन का उतना ये डिसॉल्व होगा और आयतन बढ़ेगा, और यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारे ब्लड वेसल्स पे प्रेशर क्रिएट होंगे, और प्रेशर होंगे तो नॉर्मली जो है ना बीपी के चांसेस बढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है व्हाट हैपेंड इन हाइपर एल्बुमिनिया, हाइपर एल्बुमिनिया कंडीशन क्या होता है, तो हाइपर एल्बुमिनिया में होता क्या है कि द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि हाइपो एल्बुमिनिया होगा, यानी यदि हमारे ब्लड में, ध्यान देना, यदि हमारे ब्लड में एल्बुमिन की कमी होती है फिर क्या रीजन होता है, और जब हमारे ब्लड के अंदर एल्बुमिन की कमी होती है तो ध्यान देना जो ब्लड के अंदर पूरा वाटर है वो वाटर बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद हमारे टिश्यूज जो हैं, हमारा जो स्किन है, स्किन के बीच में मान लो टिश्यू वगैरह हैं, और इसी टिश्यू के अंदर आकर के वो क्या होता है भाई, स्टोर होता है, आकर के जमा होता है, और जमा होने की वजह से उसमें स्वेलिंग आती है, और स्वेलिंग को जिसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं भाई, एडिमा, क्या बोलते हैं एडिमा, इसको हिंदी इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, और एडिमा में ही हमारी जो बॉडी है वो क्या होती है भाई, स्वेल कर जाती है। और मैंने ऐसे कई बार देखा है जो नॉर्मली किडनी जिनको फेलियर होती है, और जब वो अपना यूरिन टेस्ट कराते हैं और एल्बुमिन अमाउंट की कमी होती है, इट मींस वैसे पर्संस के जो स्किन है वो एरियाज क्या होता है भाई, स्वेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि जब वाटर हमारे आके टिश्यू में कलेक्ट होता है, आके टिश्यू में जमा होता है, और टिश्यू में जमा होने वाले प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एल्बुमिन। मतलब हमने यहां से एक और क्वेश्चन चुराया कि एल्बुमिन मतलब हाइपो एल्बुमिनिया, यदि एल्बुमिन की अधिकता होती है तो हम क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो एल्बुमिन की अधिकता होगी तो सीधी सी बात है ये घुलेगा, आयतन बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो सकता है, और एल्बुमिन की कमी हो गई तो ब्लड का सारा पानी बाहर निकलेगा और हमारे टिश्यू में आके जमा होगा, इससे हमारे टिश्यू में स्वेलिंग आएगी और वो स्टेज हमारा क्या कहलाएगा भाई, तो वो हमारा स्टेज कहलाएगा एडिमा। अब हम बात करते हैं, ध्यान देना कि ये जो एल्बुमिन है तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये करता क्या है, इट मींस एल्बुमिन आल्सो क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान देना ये मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट, यहां पे फिर हमने एक चुराया पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि विच प्रोटीन क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर इन आवर ब्लड, हम सीधा सा ऑप्शन जाएंगे किस पे भाई, एल्बुमिन पे, और एल्बुमिन ही एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है किसमें, हमारे ब्लड में, तो एल्बुमिन की अधिकता भी सही नहीं है और इसकी कमी भी हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, एक अमाउंट होना चाहिए। अब हम बात आते हैं, हमारा दोनों प्रोटीन क्लियर हो चुका है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और इसकी अधिकता होगी यानी हाइपर एल्बुमिनिया होता है तो हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस होते हैं, और यदि हाइपो एल्बुमिनिया होता है तो ये एडिमा, हमारे स्किन वगैरह, बॉडी वगैरह स्वेल होने शुरू हो जाते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम भी होता है। एक होता है ना हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक ये होता है कि जब आपके ब्लड में वाटर का अमाउंट कम होगा, आयतन कम हो जाएगा और ब्लड में प्रेशर नहीं रह पाएगा, और जब प्रेशर नहीं रहेगा तो ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाना बंद हो जाएगा, और जिस तरीके से ऑर्गन काम करना क्या करते हैं भाई, बंद कर देते हैं, जिसको हम नॉर्मली हाइपोवोलेमिक शॉक के नाम से जानते हैं। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ग्लोबुलिन। अब यदि मैं बात करूंगा ग्लोबुलिन को, स्पेशली यदि मैं ग्लोबुलिन को लेकर के बात करता हूं कि ये जो प्रोटीन है हमारा ग्लोबुलिन, एक तो आपको यह जान लेना है कि यह जो प्रोटीन है यह वाटर इनसोल्युबल है, यह जल में घुलता नहीं है, यह वाटर इनसोल्युबल है, यह प्योर वाटर में घुलता नहीं है। हां, सॉल्ट कंटेनिंग में डिसॉल्व होता है बट प्योर वाटर वाटर में यह प्रोटीन घुलता नहीं है। और आपको पता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, रोल यह है कि यह जो प्रोटीन है एक्ट लाइक डिफेंस मैकेनिज्म, वी से डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मतलब रक्षा का काम करता है ये प्रोटीन ग्लोबुलिन। ध्यान देना मैंने क्या कहा, डिफेंस मैकेनिज्म। क्वेश्चन आ जाए वो कौन ऐसा प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में डिफेंस की तरह एक्ट करता है, तो हम सीधा सा ऑप्शन किस पे जाएंगे भाई, ग्लोबुलिन पे, डिफेंस मैकेनिज्म। अब बात करते हैं कैसे डिफेंस करता है, क्या रोल है इसका। तो ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, एक तो ये वाटर इनसोल्युबल है, तो जल में घुलता नहीं है, और ये
किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है एक ग्लोबुलर प्रोटीन्स फैमिली से बिलोंग करता है ग्लोबुलिन। हालांकि ग्लोबुलिन तीन टाइप में बांटा गया है, इसको तीन कैटेगरी में जो है ना बांटा गया है। और नॉर्मली जो ग्लोबुलिन होता है, यदि मैं बात करना चाहूं तो इसको हमने तीन भागों में बांटा है। एक तो हमारा अल्फा हो गया, सेकेंड जो है हमारा बीटा हो गया, और थर्ड जो है हमारा गामा हो गया। ये तीन तरह की, इट मींस वी से दैट अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। लेकिन मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड है हमारा गामा ग्लोबुलिन। जो गामा ग्लोबुलिन है, इट कैन आल्सो इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होता है, इनिशिएट करता है एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में। और सबको पता है कि यदि हमारा एंटीबॉडी फॉर्म होगा, इट मींस कि एंटीबॉडी के बनने के वजह से जितने भी अनवांटेड केमिकल है वो और हमारे बॉडी में आते हैं, तो एंटीबॉडी क्या करता है, उनको न्यूट्रल करता है। जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, उनसे भी फाइट करने का काम करता है। बट इस एंटीबॉडी को इनिशिएट करने में, फॉर्मेशन में इनिशिएट जो करता है वो कौन है भाई? गामा ग्लोबुलिन। इसलिए हमने क्या बोला इसको? डिफेंस मैकेनिज्म। व्हाई वी से दैट डिफेंस मैकेनिज्म, क्यों बोलते हैं इसको कि ये रक्षात्मक कार्य करता है? ऐसा इसलिए कि ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है, इसलिए इसको हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। हालांकि जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन है, इसका सिर्फ वर्क है प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। ये ट्रांसपोर्टिंग करता है, ट्रांसमिशन करता है एक जगह से दूसरे जगह। किसका भाई? तो प्रोटीन का। आई होप क्लियर हो चुका है कि प्रोटीन का क्या रोल है हमारे ब्लड इनसाइड, आई मीन प्लाज्मा इनसाइड। और हमारा क्लियर हो चुका है फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, और हमने नेक्स्ट बताया था आपको एल्बुमिन। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलो ये तो रही बात प्रोटीन का, अब बात करते हैं कि हमारे प्लाज्मा में और क्या क्या कंटेंट मौजूद है, और क्या क्या कंपोजिशन है हमारे प्लाज्मा के अंदर। तो मैं बात करूंगा प्रोटीन के बाद, ध्यान देना, वो है मिनरल एलिमेंट्स, खनिज तत्व, मिनरल एलिमेंट्स। हिंदी बैकग्राउंड वाले लिख लेंगे खनिज तत्व, मिनरल एलिमेंट्स। अनु शर्मा, अक्कू रघुवर्षी, ओके, विदाउट एनी हेजिटेशन यू ऑल्सो आस्क एनी क्वेश्चंस, ओके। पूजा जांगरा, रेनू ब्रोलिया, पूजा जांगरा, उर्वर्षी बत्रा, ओके ओके। इफ यू हैव गॉट एनी हेजिटेशन आस्क मी एनी डाउट। आज सीटेट का भी पेपर चलेगा, शाम को मैं क्लास लेने वाला हूँ सीटेट में, तो आप शाम वाले बैच में जरूर वॉच करना, ओके। उर्वर्षी बत्रा, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो कोई डेट नहीं आया है पोस्टपोन का, बट मे भी चांसेस है आने का, ओके। बिल्कुल बिल्कुल अगस्त में होने का चांसेस है उर्वर्षी बत्रा, आप लगे रहो। और इस बार सिलेक्शन देना है टीएन से, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, पूजा जांगरा, वन मंथ, ओके ओके, कोई नहीं पूजा जांगरा, इस बार आपको करना है कैसे भी, आज शाम वाले बैच में वॉच करना, ओके। प्रवीण मिश्रा, ग्लोबुलिन इज नॉट क्लियर, ओके प्रवीण, आई एम जस्ट एक्सप्लेन अगेन। ग्लोबुलिन, आई से ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन, ये एक्ट करता है प्रवीण डिफेंस का, ये क्या करता है, हमारी रक्षा करता है एक तरह से। मैंने ये बताया जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा के अंदर होता है, ये काम करता है डिफेंस का, लड़ता है। जैसे मान लो फॉरेन बैक्टीरियाज हैं, फॉरेन कुछ अनवांटेड केमिकल्स हैं हमारे बॉडी में आते हैं, और यदि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा प्रवीण। और यदि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है तो आपको पता है बाहर के बैक्टीरिया हम पे डोमिनेंट हो सकते हैं, तो ग्लोबुलिन भी इनिशिएट करता है एंटीबॉडी में ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। जैसे आप मान लो अभी कोरोना को लेकर के चल रहा है कि हाँ भाई, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उस पर कोरोना का कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वहां पर यह हेल्प करेगा प्रवीण ग्लोबुलिन, ठीक है। मैंने ग्लोबुलिन को हालांकि तीन पार्ट में बांटा है, अल्फा, बीटा और गामा।
तो गामा ग्लोबुलिन ही एक ऐसा प्रोटीन है, उसका एक कैटेगरी, एक पार्ट है जो एंटीबॉडी बनाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करता है। और अल्फा बीटा का काम होता है प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह जो है ना ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि आपको पता है सारे केमिकल सब्सटेंस जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी यदि हमारे सेल के पास जाएगा तो सीधी सी बात है किसके माध्यम से जाएगा भाई, ब्लड के माध्यम से जाएगा, फ्लूइड है, कीप्स ऑन फ्लोइंग है ना, एंड कैन ऑल्सो डिवाइड ऑल केमिकल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और सारा पार्ट हमारे बॉडी में क्या होते भाई, चला जाता है जो केमिकल्स होते हैं। मीनू का ध्यान ओके, बेनिका जोशी, इवनिंग क्लास की टाइमिंग और 4 o'clock बेनिका जोशी, 4 o'clock ओके, हाँ 4 to 5, 4 to 5 बिल्कुल वैसी, पूजा जांगरा, हाँ हाँ बिल्कुल पूजा जांगरा, ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ ना ये लगभग सारे एग्जाम्स में आएंगे, ध्यान देना सारे एग्जाम्स में आएंगे बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इस एंगल से भी करा रहा हूँ कि आप जो भी ब्लड जो पढ़ने के बाद आप लगाना पेपर, फिर आप कमेंट करना कि सर क्वेश्चन हो रहे या नहीं हो रहे, और मैं बड़े ही लेवल से लगभग 30-50 क्वेश्चंस लेके भी आऊंगा आप लोग के पास, हम लोग कुछ चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। मैं बार बार बोलता हूं इन स्टडी वी सी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, आपको क्वालिटी बेस्ड पढ़ना है और वो मैं देने वाला हूं आपको बिल्कुल ओके। प्रवीण अब आ गया समझ में, बिल्कुल बिल्कुल, चलो नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे, मिनरल एलिमेंट्स ध्यान देना, हेडिंग देना खनिज तत्व। अब यदि मैं मिनरल एलिमेंट्स की बात करता हूं तो मिनरल एलिमेंट्स जो है ये होता है, हालांकि मिनरल एलिमेंट्स के परसेंटेज आते नहीं है पेपर में, बट आपको जानना है जो मिनरल एलिमेंट्स होता है वो 0.9% खनिज तत्व होता है, कहां भाई, कहां भाई, हमारे प्लाज्मा के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इस मिनरल एलिमेंट्स में कौन कौन से मिनरल एलिमेंट्स होते हैं और उनका क्या रोल है जो है ना हमारे बॉडी इनसाइड, क्योंकि वो भी एक कंसेप्ट है जो पेपर में आ सकते हैं। अब यदि मैं मिनरल एलिमेंट्स की बात करता हूं, ध्यान देना, तो एक तो हम बात करेंगे सोडियम आयन Na+, एक हम बात करते हैं Cl नेगेटिव, कैल्शियम डबल प्लस, सोडियम आयन, बैकग्राउंड वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदी मीडियम जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्लोराइड आयन, ये हमारा है कैल्शियम आयन, नेक्स्ट हमारा है मैग्नीशियम आयन Mg++, और नेक्स्ट हमारा है बाई कार्बोनेट, मैं लिख दे रहा हूं बाइकार्बोनेट। तो इतने सारे एक्सेट्रा, इतने सारे जो खनिज तत्व है वो हमारे प्लाज्मा में मौजूद है। अब आते हैं क्वेश्चन के लेवल पे कि यहां से क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा हमारे पेपर में, भाई हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ कंसेप्ट को चुराना है, जहां से हमारा क्वेश्चन बने हम किल कर सके क्वेश्चन में, क्वेश्चन को नॉर्मली वही तो हमें करना भी है। अब अभी मैंने एक बात किया कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे आई होप कि वो कौन ऐसा विटामिन है जो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, सिंपल कोई जाता है और विटामिन के, एक छोटा बच्चा ही बोलता है विटामिन के। अभी मैंने बात किया वो कौन ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्या बताओगे भाई, फिब्रिनोजेन। अच्छा मान लो यदि आपके पेपर में ये पूछ दे कि वो कौन ऐसा खनिज तत्व है जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में प्ले अ की रोल, वाइटल रोल, सिग्निफिकेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, हमारे रक्त के थक्का बनने में बहुत ही सहायक है, उस खनिज तत्व का क्या नाम है, आई होप आपको पता होगा, और वो हम जाएंगे किस पे भाई, कैल्शियम पर, ध्यान देना, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यानी यदि प्रोटीन की बात करता है तो हम फिब्रिनोजेन पे जाएंगे, और यदि मिनरल एलिमेंट्स खनिज तत्वों की बात करेगा तो हम बिना सोचे समझे किस पे जाएंगे भाई, कैल्शियम पे।
ओवरऑल मैंने आपको बता दिया 0.9%। हालांकि लिपिड्स भी होते हैं, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह ये सारे मौजूद होते हैं, बट हमें तो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट चुराने हैं। और यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पेपरों में पूछा गया है मिनरल एलिमेंट्स को लेकर के। हालांकि सबको पता है कि कैल्शियम हमारे बॉडी का सबसे ह्यूज अमाउंट में मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हमारे बॉडी का 0.2% होता है कैल्शियम। बट हम यदि बात करते हैं इनसाइड द ब्लड, सिर्फ हम ब्लड के अंदर की बात करते हैं, तो ध्यान देना ब्लड के अंदर जो हमारा मैक्सिमम अमाउंट में होता है, ह्यूज अमाउंट में होता है, वो है हमारा Na प्लस और Cl नेगेटिव। और ये सबसे अमाउंट में होता है हमारे ब्लड के अंदर, और इसका होना भी जरूरी है, बट ज्यादा नहीं और कम भी नहीं, क्योंकि सबको पता है मैं अभी बात कर रहा हूं। ध्यान देना, यहां पे मान लो ये हमारी ब्लड की वेसल्स हैं और यहां पे हमारा ब्लड जो है ना वो फ्लो हो रहा है। सपोज करो यहां पे हमारा Na प्लस और है ना Cl नेगेटिव है, और Na की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है सोडियम आयन की, क्या करना है भाई, वाटर एब्जॉर्ब करना, वाटर को लेना। तो यदि मान लो सोडियम आयन क्लोरीन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो फिर ब्लड के अंदर वाटर अमाउंट क्या होता है भाई, ज्यादा होता है। और यदि ब्लड में वाटर अमाउंट बढ़ेगा तो आप सीधा सा जानते हो कि ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी और हमारा बीपी क्या हो सकता है भाई, हाई हो सकता है। तभी तो जो हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं उनको मना किया जाता है कि सॉल्ट नहीं लेना है। और अक्सर आप देख ले, अब तो समर सीजन है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन ज्यादा होती है, और डिहाइड्रेशन में वाटर की कमी हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर डिहाइड्रेशन में। और आप देखे होंगे जब कोई पर्सन डिहाइड्रेशन से सफरिंग करता है और उसको हॉस्पिटल में जब हम लोग एडमिट कराते हैं, तो नॉर्मल उस पर्सन को हम डॉक्टर क्या करता है, एक पानी चढ़ाता है, उस पानी का नाम है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन ये जो है चढ़ाया जाता है उस पर्सन को नॉर्मल सलाइन, ताकि जो सॉल्ट का और प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाए और बॉडी में कोई बैड इफेक्ट नहीं आए। तो ये है जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। बट यहां पे हम बात करेंगे सिंपल सा इक्वेशन, किस पे भाई, कैल्शियम पे। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, और हमारे प्लाज्मा में क्या होता है। तो प्लाज्मा में यदि मैं थर्ड बात करूं, एक तो हमारा प्रोटीन हो गया, दूसरा हमारा खनिज तत्व हो गया, और यदि मैं तीसरी बात करता हूं तो वो है हमारा वाटर। ध्यान देना जल, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आया है यहां से पेपर में कि प्लाज्मा में जल कितना परसेंट होता है। और ध्यान देना, वाटर इनसाइड में बात करता हूं तो ऑथेंटिक फैक्ट ध्यान देना, 90 से 92% जो है हमारे प्लाज्मा में क्या होता है भाई, वाटर होता है। कितना मैंने बताया, 90 से 92% है ना प्लाज्मा कंटेन वाटर। अब यहां से क्वेश्चन बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि रुधिर का तरल भाग किसे कहते हैं। सबको पता है कि हमारे बॉडी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड है वो है ब्लड। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे शरीर का तरल भाग कौन है और जो लिक्विड पार्ट है हमारे बॉडी का वो कौन है भाई, प्लाज्मा। यानी रुधिर का तरल भाग, कहीं कहीं मैंने देखा है क्वेश्चंस में पेपर वगैरह में मैट्रिक्स लिखा है। क्या लिखा है भाई, मैट्रिक्स, हिंदी इंग्लिश में भी वही सेम वर्जन हम बोलते हैं, और मैट्रिक्स भी लिखा है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यदि क्वेश्चन पूछ दे कि रुधिर का मैट्रिक्स भाग या तरल भाग कौन है, तो ओवरऑल आप किस पे जाओगे भाई, तो ओवरऑल आप बताओगे प्लाज्मा ही। ध्यान देना, तो यहां पे हमने तीन पॉइंट चुराया, एक प्रोटीन, दूसरा हमने पॉइंट क्या चुराया भाई, और जिसमें प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और दूसरा हमने बात किया मिनरल एलिमेंट्स को लेकर के, और यहां पे हमने कैल्शियम से कनेक्ट किया, और थर्ड हमने क्या बताया, वाटर। क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे ब्लड में कितने फैक्टर्स हैं, 13। ये 13 फैक्टर्स का होना जरूरी है, अदरवाइज ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। जैसे हीमोफीलिया वाले पेशेंट को होता है, 8th और 9th फैक्टर उनमें एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई उनका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बाकी जितने केमिकल फूड वगैरह है जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी प्लाज्मा के थ्रू हमारे सेल के पास चले जाते हैं। जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं, नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, मैंने क्या बताया भाई, CO2 वगैरह, सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारे प्लाज्मा के थ्रू ही फ्लो होते हैं। यदि हम कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं या कोई भी हम इंजेक्शन लेते हैं डायरेक्टली, वही प्लाज्मा के थ्रू ही जाता है। तो वो तो हमारा एग्जाम का पोर्शन नहीं है, पोर्शन हमारा तीन ही था, एक वाटर, दूसरा मैंने क्या बताया मिनरल एलिमेंट्स, और थर्ड मैंने क्या बताया भाई, प्रोटीन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्लाज्मा तो हमारा क्लियर हो गया, अब हम बात करेंगे ध्यान देना ब्लड कॉर्पसल्स, रुधिर कणिका।
हेडिंग देते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। रुधिर कणिका, बिल्कुल और आप लोगों का मैं टेस्ट भी लेने वाला हूं, ध्यान देना सब कोई जो भी वॉच कर रहा है, सब कोई TN ऐप भी डाउनलोड कर लेगा, हम लोग ऐप पे ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, ध्यान देना, और वहां से आपको मैक्सिमम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और वहां से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग के जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए, डिस्कस वगैरह उस पर किया जाए ताकि आप में और क्लैरिटी आए और आप एग्ज़ाम को सही वे में हैंडल करो और सलेक्शन दो, क्योंकि हमें भी प्राउड फील होता है जब हमारा स्टूडेंट कुछ अच्छा कर जाता है, एंड वी ऑल्सो फील प्राउड टू मेक कस्टोडियन ऑफ आवर कंट्री, कि हमें भी थोड़ा बहुत प्राउड फील होता है कि हम अपने कंट्री के लिए कस्टोडियन बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुनील सिंह उज्जवल सर, DSSB में की अलग से क्लास होगी क्या? सुनील सिंह बिल्कुल बिल्कुल होगी, अभी जो मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ वो सारा DSSB में आने वाला है, ध्यान देना, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। वर्षी बत्रा, थैंक यू वर्षी, आपको सिलेक्शन देना है, बिल्कुल बिल्कुल सारी प्रॉब्लम यहां पे आप लोगों की दूर की जाएगी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओके चलो आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, ब्लड कॉर्पसल्स है ना, रुधिर कणिका, सबको पता चल चुका है मैं बात कर रहा हूं, परसेंटेज 45% 45% होता है। समय को बहुत यूटिलाइज करो, ध्यान देना, टाइम इज मनी, यू कैन जस्ट लर्न द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम बटरफ्लाई, सो इफ यू किल द टाइम, टाइम विल किल यू, आपको समय बर्बाद नहीं करना है, घर बैठे भी बिल्कुल पढ़ना है ताकि आपको ये बहुत ही आपके लिए गोल्डन टाइम भी है, ध्यान देना, अच्छा टाइम मिल रहा है आप लोगों का, और जो भी मेरे फैक्ट हैं कंसेप्ट हैं वो सारा कंसेप्ट आपके नोटबुक पे होना चाहिए, ताकि एग्जाम जब नियर अबाउट आता है तो बच्चा क्या करता है, एक बार नजर डालता है, सारा फैक्ट रिकॉल होता है और अच्छा वे करके आता है, क्योंकि भाई हमें लगेगा कि भाई हम 100% श्योर है कि ब्लड से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, हार्ट से क्वेश्चन आए है ना, लंग्स ब्रेन कहीं भी, आपको अपने हर फील्ड में जो है ना आपको जोन अपना मजबूत करना है ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से जनरेट कर पाओ, और ये जो है ना एक मेरिट होना चाहिए आपके अंदर। ओके थैंक यू बेनिका, ओके ओके प्रवीण, बिल्कुल बिल्कुल लगे रहो। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड कॉर्पसल्स, और इसमें हम बात करेंगे स्टार्टिंग फेज में है ना, RBC, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका, और मैंने अभी आपको बताया था कि आरबीसी को हम टेक्निकल नेम में क्या बोलते भाई, तो आरबीसी को हम टेक्निकल नेम में एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। अब ये बात है कि जो एरिथ्रोसाइट है दैट इज द नेम ऑफ सेल ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी के सेल का नाम है, दैट्स व्हाई वी से टेक्निकल नेम ऑफ आरबीसी, बट दैट इज द नेम ऑफ सेल ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी इज द सेकेंड स्मॉलर सेल, और सबसे स्मॉलर सेल तो पता ही होगा आप लोगों को, स्पर्म है ना, शुक्राणु, तो यहां पे हम बात करते हैं आरबीसी। अब बात करते हैं, सबको पता है कि जो आरबीसी होता है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है, ध्यान देना पॉइंट, मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड एक नया क्वेश्चन आता हुआ, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, किसमें भाई, तो आरबीसी एक ऐसा सेल है, और जहां तक आपको पता है आप सेल टॉपिक पढ़ोगे और मैं पढ़ाऊंगा आपको सेल, तो हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, तो कई बार ये क्वेश्चन आया था कि कोशिका सिद्धांत का वो कौन ऐसा अपवाद है, क्योंकि भाई सेल, वी सेल न्यूक्लियस इज द डायरेक्टर ऑफ सेल,
सेल का जो कंट्रोलर है, जो रेगुलेटर है, जो डायरेक्टर है, वो न्यूक्लियस है। सारा फंक्शन न्यूक्लियस ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। बट सेल थ्योरी में इस चीज को हाईलाइट किया गया है, बट सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन है और वो है हमारा आरबीसीज। तो यहां से हमने एक और क्वेश्चन चुराया कि सेल थ्योरी का, कोशिका सिद्धांत का वो कौन ऐसा अपवाद है जिसपे कोशिका सिद्धांत का जो रूल है वो फॉलो नहीं हो पाता है, और वो है हमारा आरबीसीज। क्योंकि आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। बट दो ऐसे अपवाद है, एक्सेप्शन है, और सबको पता है कि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन रूल से कम आते हैं, एक्सेप्शन से ज्यादा आते हैं, और दो अपवाद है, और वो है हमारा कैमल, ध्यान देना, कैमल एंड लामा। तो कैमल और लामा, यानी ऊंट और लामा के आरबीसीज में न्यूक्लियस पाया जाता है। कैमल और लामा, लामा एक ऐसा एनिमल है जो भेड़ की तरह दिखता है, ध्यान देना, बिल्कुल भेड़ की तरह दिखता है ये। और ये दोनों एनिमल्स के आरबीसीज में जो ब्लड आरबीसीज हैं कंटेन न्यूक्लियस, बाकी जो है सभी के ब्लड में आरबीसीज क्या होते हैं भाई, न्यूक्लियस इज एबसेंट, मतलब हम बोल सकते हैं ई न्यूक्लिएटेड, इट मींस विदाउट न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा आरबीसीज का शेप होता है, ये भी एक आता हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया पेपर में, बच्चा कंफ्यूज होता है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक्स में दो चीजों का जिक्र किया है, एक सर्कुलर और दूसरा लिखा है बाई कॉनकेव। ध्यान देना, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं उभयावतल बाई कॉनकेव। ये कई बार क्वेश्चन आया है, एक बार नहीं, मैंने कई बार प्रैक्टिस सेट वगैरह और भी तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है मैंने, उसमें ये पूछ रखा है कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो हम बताएंगे बाई कॉनकेव, मतलब जो हमारा आरबीसी होता है, ध्यान देना, वो ऐसे लुक में नजर आता है। यदि हम फ्रंट से देखेंगे, ध्यान देना, फ्रंट से देखते हैं, और हम यदि साइड वाइज देखते हैं, फ्रंट से देखें तो हमें ये राउंड शेप में नजर आता है, और यदि हम इसको साइड वाइज देखते हैं तो ये हमें बाई कॉनकेव नजर आता है। अब एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आई होप कि आप लोग शायद बता पाओ कि क्या रीजन है। मान लो क्वेश्चन पूछ दे कि हमारी आरबीसी की जो आकार है वो बाई कॉनकेव है, उभयावतल है, और हमारे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इससे हमारे लिए एडवांटेज क्या है, इससे हमें क्या फायदा मिलता है। क्योंकि भाई जिस सेल में न्यूक्लियस ना हो, सीधी सी बात है उस सेल के सारे फंक्शन सही वे में कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। बट यहां पे हम देख रहे हैं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं है। अब यदि इसी क्वेश्चन को बना दिया कि आरबीसी का आकार बाई कॉनकेव है, उभयावतल है, आरबीसी बिना केंद्रक का होता है, इससे क्या एडवांटेज है, इसका मेन कारण क्या है, और मान लो कई सारे रीजन पेपर में दे दिया, फिर आप कैसे बता पाओगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, यहां से क्वेश्चंस, यहां पे हमने एग्जामिनर के माइंड को इवेल्युएट किया कि व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द एडवांटेज दैट द शेप ऑफ आरबीसी इज बाई कॉनकेव एंड आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस, देन व्हाट हैपेंड। बताओ जल्दी आप लोग, कोई भी आंसर दे इसमें। बेनिका, पूजा जांगरा, बताओ क्या होता है। उर्वशी बताओ जल्दी आप लोग आंसर दो। मेरा आंसर ये क्वेश्चन ये है कि आरबीसी का आकार बाई कॉनकेव है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इससे मेन फायदा क्या होता है हमारे बॉडी के लिए। बिल्कुल रोहिणी गुड़िया, किसी भी सेल में नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है। और सबसे जो स्मॉलेस्ट आरबीसीज होता है वो मस्क डियर, ध्यान देना, एक मस्क डियर है, कस्तूरी मृग जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कस्तूरी जानते होंगे आप लोग, एक सुगंधित पदार्थ होता है जो डियर के अंदर होता है, हिरण के अंदर होता है, तो मस्क डियर का स्मॉलेस्ट आरबीसी होता है, ये भी ध्यान लेना। कस्तूरी वो जो एक सुगंधित पदार्थ होता है ना, जिसपे कई कवि वगैरह भी लिखे हैं, पढ़े भी होंगे आप लोग, कस्तूरी कुंडली बस्से मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना, है ना, कि कस्तूरी मृग के अंदर ही होता है बट वो अज्ञानतावश खोजता रहता है उसको। वैसे ही भगवान तो हमारे अंतःकरण में है, बट हम क्या करते हैं भाई, अज्ञानतावश मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में उन्हें खोजते रहते हैं।
तो स्मॉलेस्ट आरबीसी होता है मस्कडियर का। दीक्षा अहलावत, मोर सरफेस प्रेजेंट वी गेट, बिल्कुल बिल्कुल। आरोही शर्मा, बिल्कुल आपने सरफेस इज ऑक्युपाइड बाय न्यूक्लियस, बिल्कुल 100% आपने सही आंसर बताया। बी प्राउड नाउ दीक्षा अहलावत, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ओके बिल्कुल आपने बताया। इट मींस वी से दैट आरबीसी इज बाई कॉनकेव एंड द शेप ऑफ आरबीसी इज बाई कॉनकेव एंड इट विदाउट न्यूक्लियस। भाई जिस सेल के अंदर, सिंपल सी बात है, मान लो ये हमारा सेल है और सेल में मान लो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, तो न्यूक्लियस है तो शेप तो लेगा ना भाई, और शेप लेगा तो कंफर्म है कि इसका शेप लेगा तो शेप की कमी होगी। और हमें पता है कि भाई जो मेन चीज है वो हमारा हीमोग्लोबिन है, क्योंकि ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसके वजह से होता है भाई, हीमोग्लोबिन, जो अभी हम लोग इस पर डीपली चर्चा करने वाले हैं, जो हमारा एक रेस्पिरेशन में काम करता है, गैसों को एक्सचेंज करता है हीमोग्लोबिन, और जितना हीमोग्लोबिन का सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही गैस का एक्सचेंज क्या होगा भाई, सही वे में होगा और हमारे बॉडी के लिए बेटर होगा। इट मींस हमारा सीधा सा ऑप्शन होगा, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी बाई कॉनकेव का जो शेप होता है वो राउंड शेप से थोड़ा सा बड़ा होता है और केंद्रक नहीं है तो कोई प्लेस नहीं है वहां पे, उस प्लेस को भी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्युपाइड कर लेता है। इट मींस हम जाएंगे कि इससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ हीमोग्लोबिन, और इससे हीमोग्लोबिन का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। ये हमारा सही आंसर होगा और दीक्षा ने भी सही बताया, बिल्कुल आरोही भी सही बताई हो, बिल्कुल बिल्कुल। और भी कोई डाउट हो आप लोग बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप लिख सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, बिल्कुल बिल्कुल ओके। उर्वशी बत्रा, सुनील सिंह, डी टी प्लस बी के तहत हम लोग टीचर वगैरह की तैयारी करते हैं, ध्यान देना, टीजीटी पीजीटी वगैरह ये सारा डी टी प्लस बी कनेक्ट करता है, ओके। बिल्कुल बिल्कुल ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करते हैं हम सिंपल सा इक्वेशन, हम आरबीसी को लेकर भी चर्चा कर रहे थे और हम बात किए क्या भाई हीमोग्लोबिन, सबको पता है ध्यान देना कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमारा ब्लड का जो कलर है वो क्या होता है भाई, रेड होता है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं हीमोग्लोबिन के ऊपर, बाद में हम और भी डीपली चर्चा करने वाले हैं इसके ऊपर कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से टच हो रहे हैं, पेपरों में पूछा गया हीमोग्लोबिन बेस्ड, मैं सारा वो क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। हीमोग्लोबिन, इसके वजह से हमारा जो ब्लड का कलर है वो क्या होता है भाई, रेड कलर का होता है। और हीमोग्लोबिन जो है ना दो पार्ट से मिलकर बना है, एक हीम है और दूसरा क्या है भाई, हमारा ग्लोबिन है। और ये जो ग्लोबिन है ये एक तरह का प्रोटीन है, क्या है भाई, प्रोटीन। और जो हीम पार्ट है ये आयरन कंटेनिंग है, क्या है भाई, आयरन कंटेनिंग, आयरन कंटेनिंग, मतलब हीम पार्ट आयरन होता है और ग्लोबिन पार्ट क्या होता है भाई, प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन था कि क्या हीमोग्लोबिन में आयरन होता है क्या, तो बिल्कुल आयरन प्रेजेंट होता है, हीम पार्ट आयरन ही तो है। लेकिन ध्यान देना, आयरन सिंबल के अकॉर्डिंग पूछता है, कभी कभी पेपर में दे देता है एफ आई डबल प्लस होता है या एफ आई ट्रिपल प्लस होता है, मतलब फेरस आयन होता है या फेरिक आयन होता है। ऐसे भी क्वेश्चंस कभी हाई लेवल में टच कर दे तो हम फेरिक आयन पे नहीं जाएंगे, ये हमारा गलत होगा, हम जाएंगे फेरस आयन, एफ आई डबल प्लस होता है। यदि आयरन कंटेनिंग पूछ दे कौन सा आयरन प्रेजेंट होता है तो हम एफ आई डबल प्लस पे जाएंगे, फेरस। जैसे अस इक होता है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन बढ़ता है तो सफिक्स में इक जुड़ जाता है, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन कम होता है तो अस होता है, तो ये फेरस से देखो यहां पे तीन बढ़ गया तो नॉर्मली हम क्या बताएंगे, फेरिक इक जुड़ जाता है, बट हम बताएंगे एफ आई डबल प्लस। अब बात करते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होना चाहिए। हाँ भाई, एक हेल्दी पर्सन में हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछा गया क्वेश्चन पेपर में, बताओ।
और एक हेल्दी पर्सन में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है नॉर्मली, ध्यान देना, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड में कितना होना चाहिए भाई? 12 to 16 ग्राम ब्लड होना चाहिए। और यदि ज्यादा है तो सही नहीं है, कम है तो सही नहीं है, एक लिमिट होना चाहिए भाई। ब्लड में हर चीज का अपना लिमिट है, ध्यान देना। आरबीसी का बढ़ना तो भी सही नहीं है, आरबीसी का कम होना तभी सही भी नहीं। आरबीसी बढ़ता है उस स्टेज को क्या बोलते हैं, आरबीसी कम होता है वो स्टेज क्या कहलाता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है वो क्या कहलाती है, डब्ल्यूबीसी कम होती है वो क्या कहलाती है। तमाम तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस पे। और ध्यान देना, ये एक ऑथेंटिक फैक्ट है कि हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 12 to 16 ग्राम होता है 100 ml पर 100 ml ब्लड में, और वो हमारा हीमोग्लोबिन है। और ध्यान देना, एक मैं आपसे एक चीज और बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो हीमोग्लोबिन के वजह से हमारा ब्लड क्या होता है भाई, रेड कलर का होता है। मान लो क्वेश्चन ये पूछ दे कि व्हाट इज द न्यूट्रल कलर ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का न्यूट्रल कलर क्या होता है, इसका न्यूट्रल कलर क्या है, यदि ये क्वेश्चन आता है तो हीमोग्लोबिन का जो न्यूट्रल कलर होता है वो होता है पर्पल कलर का। किस कलर का होता है भाई? पर्पल कलर का होता है। तो बच्चा कंफ्यूज होगा, सर ये पर्पल है तो फिर रेड कैसे हो जा रहा है भाई? तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होता है इट सीक्रेट रेड पिगमेंट एंड द कलर ऑफ ब्लड बिकम रेड। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन का जो न्यूट्रल कलर है वो पर्पल है, और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो तुरंत रेड पिगमेंट निकालता है, और जिसके वजह से हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है भाई, है ना, ब्लड जो है हमारा वो नॉर्मली रेड कलर का होता है। और एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हीमोग्लोबिन, सबको पता है कि हमारे बॉडी में जितने बैक्टीरिया वायरस हैं सबको नफरत है। किससे नफरत है भाई? ऑक्सीजन से। सबको नफरत है, उनको पता है ऑक्सीजन आएगा तो मारेगा जरूर, क्योंकि ऑक्सीजन, इसलिए हम ऑक्सीजन को एंटीबायोटिक भी बोलते हैं। और जितना हमारा हीमोग्लोबिन होगा उतना ही हमारे बॉडी के लिए बेटर है, उतना ही गैस का एक्सचेंज होगा, उतना ही ऑक्सीजन जाएगा। और सबको यह पता होना चाहिए कि यह जो 21% जो ऑक्सीजन है हमारे एनवायरनमेंट में, यह 21% ऑक्सीजन सिर्फ हमारा 95% पार्ट हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करता है, बाकी 5% पार्ट सैचुरेट नहीं होते हैं, इसलिए उतना ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल को नहीं जाता है। और मैंने देखा है जब पेशेंट की क्रिटिकल सिचुएशन होती है और जब पेशेंट को आईसीयू में एडमिट किया जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं, और उस चैंबर में क्या करता है डॉक्टर, 30 to 90%, ध्यान देना, रिसर्चेबल फैक्ट है ये, 30 to 90% जो है ना ऑक्सीजन क्या करता है भाई, एक्सटेंड कर देता है, बढ़ा देता है। और ये 30 to 90% जो ऑक्सीजन है ये हमारा 99% हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करता है, मतलब हमारे पोर में ऑक्सीजन जाता है। और आप लोग देखे होंगे आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट होते हैं आफ्टर 2 to 3 days बाद उसमें रिकवरी आना शुरू हो जाता है, रीजन है क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है तो बैक्टीरिया वायरस को मार रहा है, डॉक्टर बाहर से भी एंटीबायोटिक दे रहा है, और इस तरीके से पर्सन में क्या होता है भाई, सुधार होता है। मेरा कहने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन का ज्यादा होना हमारे बॉडी के लिए भी जरूरी है ताकि हमारा गैस का एक्सचेंज सही वे में हो। और एक बड़ा ही अभी एक रिसर्च हुआ था साइंस रिपोर्टर में, वो रिसर्च भी आया था, मैंने पढ़ा था कि आजकल एक नया टेक्निक आया है HBOT, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, ध्यान देना, एक नया टेक्निक आया है HBOT, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, और ये एक ऐसी थेरेपी है जिससे हमारा 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है। कितना भाई? 100%, मतलब पोर में ऑक्सीजन जाता है, एक एक पोर में, बोलते हैं ना कि पोर में सारा बॉडी ऑक्सीजन से लबरेज, ये WBC, वो RBC, ये प्लेटलेट्स सारे ऑक्सीजन से भरे पड़े हैं, और ये रीजन है HBOT का। एक बड़ा ही खुशनुमा चैम्बर होता है, आप जाओ बैठो लेटो, और नॉर्मली जो है, और जैसे आप जाओगे बैठोगे लेटोगे आपका सिर्फ ऑक्सीजन से मतलब है, आप 2 घंटे बाद बाहर निकल के देखना, यू फील हाईली एनर्जेटिक। आप लोग नाम सुने होंगे वो जो पॉप सिंगर माइकल जैक्सन था, उसका तो अपना खुद का वो चैम्बर खरीद रखा था HBOT, और वो चैम्बर में ही रहता था, इसी चैम्बर के थ्रू वो शो देने जाता था विदेश वगैरह फॉरेन में, पैसे की तो कमी थी नहीं, हालांकि बाद में वो मरा कैंसर से।
आजकल इंडिया में भी ये आ चुका है, और कैंसर में ये रामबाण बोलते हैं ना, ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा है ये थेरेपी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। और इसमें हमारा हीमोग्लोबिन सेचुरेट होता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन यहाँ से हमें फ्लो होता है और सारे सेल को ऑक्सीजन जाता है। सेल मान लो बर्न है उसको सही कर देता है ना। तो हम लोग फिर चर्चा करेंगे, आज शाम को भी क्लासेज हैं, ठीक है, और शाम को मैं 4 to 5 आऊँगा सीटेट के लिए, तो बिल्कुल आपको आना है। वहाँ पे मैं कुछ अलग टॉपिक पढ़ाऊँगा और बेसिक पॉइंट बताऊँगा आपको, तो प्लीज़ ज्वाइन अस। ओके, रोशनी बत्रा, पूजा जांगरा, शाम को आना है जो भी वॉच कर रहे हैं, ठीक है, आरोही शर्मा, ओके, फिर मिलते हैं, है ना, ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।